तो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आओ एक कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जल्दी से, है ना? क्या कहती हो मृणाली? तुम तो कुछ कहती भी तो नहीं हो ना, प्रॉब्लम तो हाँ ये है। सर, और जो कहती हो गलत ही कहती हो, 0.00 ठीक है ना। अगर सपोज मैं बोल रहा हूं कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ इधर की तरफ, सपोज इधर की तरफ हमने सपोज फोर्स लगा दिया, तुम बोलोगे सर लगा दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लग जाएगा। तो अगर इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो क्या एक अलग सा फोर्स काम करना स्टार्ट करेगा यहाँ पर? तुम बोलोगे जी श्रीमान बिल्कुल यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा। उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या नाम है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ काम करेगा? सभी लोग बताओ। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। एक और कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है जिसका नाम है एम जी। नहीं एम जी नहीं, एम जी नहीं, देखो एक मिनट मैं बता दूं, एम जी इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि तुम हवा में रहोगे ना तो भी तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी काम करेगा। क्या सही बात है कि नहीं ओमकार? भाई तुम हवा में रहोगे, हाँ धरती सर, के साथ कांटेक्ट में रहो या ना रहो, वो हमेशा काम करेगा। हाँ लेकिन नॉर्मल ऑलवेज इन कांटेक्ट, नॉर्मल फोर्स नाम याद आ रहा है? नॉर्मल ये कांटेक्ट फोर्स है। मैंने बताया था कि जब भी किसी के साथ सरफेस, किसी सरफेस के साथ कोई बॉडी जुड़ता है तो वहां पे एक कांटेक्ट फोर्स काम करने लगता है अपने आप। तुम दीवार से जब चिपक के खड़े होते हो ना ओमकार छिपकली की तरह, तो वहां भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स काम करता मैं चिपक नहीं सकता सर। है। यस मैं वही बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या मैं एक कॉन्टैक्ट फोर्स बना दू? ममता नॉर्मल, हाँ सर, ममता नॉर्मल, बोलो कोई हाँ दिक्कत? अरे अब नॉर्मल नहीं बोल रहे, नॉर्मल ही बोल रहे। नो सर, मुझे ये बताओ इस बॉडी के ऊपर और एक एमजी भी बना दो। ये है एमजी, मास है इसका एम, ये है एफ अप्लाइड, ये है फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर, ये है नॉर्मल। मुझे बताओ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे कितने काम कर रहे हैं, जल्दी बताओ। मृणाली जल्दी बोलो भाई, किस चक्कर में पड़े हो? सर कौन कौन? क्या? कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स हैं यहाँ पे? पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है नॉर्मल, दूसरा क्या है? नॉर्मल। हाँ फोर्स अप्लाइड को मत समझ जाना, ठीक है? अब मान लो हमने फोर्स अप्लाइड अगर इधर जीरो कर दिया तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? उस कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू बताइए, बताइए, बोलिए बोलिए मुझे। नहीं बोलोगी? बोलो बोलो सर बोलो, आपने पूछा क्या वही? क्या होगा इसका वैल्यू? अगर इसका मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं और इसमें इसका इस फोर्स की वजह से एवरेज वेलोसिटी जो है उसका, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो तुम बोलोगे फिर तो जीरो ही हो गया ना एक्सेलरेशन। क्या हो गया? एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अरे आया ना, क्या हो गया ममता? सर, ममता कुछ हाँ बोल रही सर, है लगता है, बोलो बोलो ममता। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं कुछ ठीक है, बोल तो रही मैं बोल रहा हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स टोटल कितने, पूरे कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगी सर आप एक काम करो, अगर मोशन है गाड़ी का इधर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, योगेश दादा क्या कांस्टेंट वेलोसिटी को हम इक्विलिब्रियम मान सकते हैं या रेस्ट वाला पोजिशन भी मान सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर वेलोसिटी ही कॉन्स्टेंट हो गया तो भाई एक्सेलरेशन तो जीरो ही आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू एफ सी यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका वैल्यू कितना आने वाला है? तुम बोलोगे सर नॉर्मल, नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर सम आने वाला है। याद आ रहा है वेक्टर? तुम बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल याद आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा इसका कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू, बताना अगर मैं गलत हूं तो, एफ सी विच इज कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज इक्वल्स टू नॉर्मल वेक्टर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर।
इन दोनों का सम। तुम बोलो कि इसका सम होता है नॉर्मल का स्क्वायर कर दो आप प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर कर दो। अगर आपको मैग्नीट्यूड से लेना देना है तो करो ये काम। क्या सही बात है कि नहीं है? अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है तो क्या यही आएगा? बोलोगे यस। एफसी मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। एफसी मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। सर वो मिलता को उस समय का म्यूट करने को बोलो ना। कर दिए। बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। हाँ बोलो बोलो किधर मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन। बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। लिख लिए क्या दोस्तों? देखो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है, याद रखना ये सब बातें। हो गया यस मृणाली? एक सवाल दे। दीजिए सर। आओ एक सवाल ऐसा सर भी 2 मिनट रुकिए, पीछे कर दीजिए। लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है लिखो। मैं तब तक अपना सवाल लिखता हूं, है ना? फाइन फोर्स अप्लाइड। लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन फोर्स अप्लाइड। अच्छा पिछले स्लाइड का लिखना है चीजें। हाँ अच्छा बस ये क्वेश्चन लिख के वापस चलते हैं उसी पर। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय ममता सो दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड, या हम लिख देते हैं विल नॉट मूव। ठीक है, ममता के द्वारा आखिर कितना फोर्स लगाया जाए कि ये स्लाइड ही ना करे, ये मूव ना करे? ब्रुनाली जवाब दे पाओगी? तुम्हारे दोस्त के नाक का सवाल है, देखते दे दो जवाब। ऐसे मत बैठो, है ना? हैं ऐसे सर। खामोश बैठती हो, उसके मेरा दोस्त दिल खामोश हो के जाता देखो उसके है। मृणाली सोच रही होगी कि उसके दोस्त दोस्त में इतना ताकत भी तो होना चाहिए। क्या पता। हाँ यहाँ पे एक एफ फोर्स 60 न्यूटन का लग रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स बाय ममता FM। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर लूँ तुम्हारा म्यू का, सीधा म्यू है मान लो 0.4। ठीक, तो आप मुझे बताइए इस चंपू ममता के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाए कि ये गाड़ी स्लाइड ही ना करे? ऐसे ये फोटो मैंने ओमकार के लिए बनाया है, नहीं तो हो सकता था ओमकार ऐसे लगा देता डायरेक्शन, है ना ओमकार? तुम ऐसे लगा देते सर ऐसे नहीं हो सकता भाई, वो ऐसे ही होगा, पिछले साइड उल्टा ही होगा। अगर रोकना है तो, अगर रोकना है तो यही होगा। ममता लिख लो, लिखो तो ममता जल्दी से। होगी। यस नाउ सी इज करेक्ट ओमकार, नाउ यू आर करेक्ट। ओमकार तुम हम लोगों के बातों का बुरा तो नहीं मानते हो? छुप छुप के रोते तो नहीं हो कोने में? नहीं सर, वो आपने वो आर्यन और वैश्य की कसम दी थी ना, रोगे तो मर जाएंगे ओ हाँ ममता लिख डाला। फिर। और ममता का आवाज इतना कम क्यों आता है यार? ये सोते सोते पढ़ती है क्या? यस कम सर। का आता है? नहीं कैसे होते सोते नहीं बस। सर, वो पढ़ते पढ़ते सोती है। ये सर मैं सच कह रही हूँ तो मुझे बोल रही है गप्पा बस। गप ममता, गप गप, जल्दी लिखो। मैंने हेडफोन लगाया ना इससे कम आ रहा है। चाइनीज ओके चाइनीज वाला, सर? सच? सुनो हाँ आंसर बताओ चाइनीज ममता नहीं है के। सर, इंडियन ही ओके ममता के द्वारा कितना शक्ति प्रदर्शन किया जाए कि ये रुक जाए? बस। बोल डालो दोस्तों। नहीं बोलोगी ममता? मृणाली से पूछा है ना?
ममता इज अ बैड ह्यूमन बींग सिंस शी इज नॉट सेइंग। सर मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको? सब आ रही है ना? तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मुझे आंसर दो। चलो क्विक, दिल अपना देना खता हो गया है, तुझे प्यार करना सजा हो गया है, सजा हो गया तुम्हें इस तरह से याद करने लगे हैं, तुम्हें इस तरह से याद करने लगे हैं, सजा हो आंसर कोई देगा? मृणाली, क्या कर रही हो भाई, कर क्या रही हो तुम? हाँ कुछ नहीं सर। तो सॉल्व कर लो ना, क्या कर रही हो तुम? सॉल्व सॉल्व करो क्या? सर 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। किसका किसका 40 न्यूटन आया है आंसर? जल्दी बोलो, अब ये भी नहीं बोल पा रहे लोग। किसका मतलब मेरा? सर अच्छा तुम्हारा आ गया, आओ देखे जल्दी से। एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर इधर फोर्स लग रहा है पहले से तो क्या फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा, हाँ या ना? सभी लोग बताएं हाँ या ना। मृणाली बोलो हाँ या ना, होगा एफ आर इधर, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तुम बोलोगे न्यूटन, सॉरी न्यूटन कहते हैं, हम बोल रहे नॉर्मल तो ऊपर की दस तरफ काम कर रहा है, नॉर्मल तो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, कितना? 100, 100 मान लेते हैं, 100 न्यूटन, तो ये कितना हो सर। जाएगा? म्यू इंटू एन, हाँ बोलो, हाँ, 40। मुझे थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग देख लेता ना। नहीं, ठीक है, कितने देर में आओगे? देर हो जाएगी बहुत। अच्छा ठीक है जाओ, गो एंड डेट, गो एंड डेट है ना, बायो देख का लो। कितने बजे? 7 बजे। हाँ, 7 बजे इधर तो जो देखो। हाँ बायो देखो तो बच्चों जल्दी से। का हाँ हाँ जल्दी देखो। मृणाली मुझे ये बताओ, कोई आदमी एक बक्से के ऊपर 60 न्यूटन इधर लगा रहा है, 40 न्यूटन पहले से इधर लग रहा है, तो 20 अगर और लग जाए इधर तो क्या विचार है, रुक जाएगा बक्सा? हाँ तो क्यों नहीं बोल रही थी तुम? हाँ क्यों नहीं बोल रही थी योगेश दादा? सही है ना, देखो फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी फोर्स बाय ममता इज इक्वल्स टू फोर्स माइनस एफ लिमिटेड, लिमिटेड या स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, लिमिट कितना है? 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 20। तो ममता के द्वारा अगर 20 न्यूटन लगा दिया जाए तो ये गाड़ी यहीं पे रुक जाएगी, बोलो कोई दिक्कत? मृणाली मैंने कुछ गलत बताया क्या? नो सर। अब हम लोग निकालेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जल्दी जल्दी दो चार टर्मिनोलॉजी सीखते हैं और सबके ऊपर सवाल, जल्दी जल्दी, अब चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा है इसीलिए। अब जल्दी से लिखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिख रहे हो दोस्तों? ये कैसा एंगल होता है भाई? ये एंगल होता है सर नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का। हाँ, तुमने सही सुना, फिर से सुनो, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने गलत लिखा, नहीं, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान से सुनना,
नॉर्मल रिएक्शन, और मैंने क्या बोला है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट, क्या इसमें किसी तरह का फ्रिक्शन का नाम आया है क्या? अरे कॉन्टैक्शन नहीं, कॉन्टैक्ट, अरे कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या इसमें किसी तरह का फ्रिक्शन का बात आया है कोई? नहीं। जब गाड़ी मूव करने वाला ही होगा उस वक्त इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कंफ्यूज तो नहीं हो ना कि सर इसमें फ्रिक्शन का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है? बोलो, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इधर देखो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे डाल दो बक्सा, डाल दे क्या? लो ग्राउंड पे डाल दिया बक्सा, बक्से से निकलता हुआ तीन फोर्स, एक नॉर्मल, क्यों भाई होगा कि नहीं होगा? कोई कुछ बोलता भी तो नहीं है, ममता होगा सिंह सर। पूछता। हाँ सर, एक इधर की तरफ फोर्स होगा फ्रिक्शन, अगर मोशन इस डायरेक्शन में, सपोज मोशन अगर इधर है तो इस डायरेक्शन में होगा, और एक और फोर्स काम कर रहा होगा जिसे हम लोग प्यार से बुलाएंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो मैं सबका नाम लिखूंगा, ये है एन, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये एफ सी। तो मुझे ये बताओ जो एंगल यहाँ है उसे, उसी को तो कह रहे हैं ना हम लोग फ्रिक्शनल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बोलो हाँ या ना, डेफिनेशन पढ़ो, पढ़ो डेफिनेशन यस पढ़ो। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एंगल नहीं है, एंगल ये है फ्रिक्शन का। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालें? तुम बोलोगे सर बहुत इजी है, हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, हमने पढ़ा है वेक्टर, वेक्टर में हमने पढ़ा है कि हम इसको उठा के यहाँ डाल सकते हैं, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, ऐसे डाल डाल सकते हैं। सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, एक ऐसा ही फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर उठा के यहाँ डाल देते हैं, ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना कुछ चेंज कर रहे हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, हम तो बस उठा के यहाँ पे डाल दिए। रुको, उस डालने से पहले एक चीज देख ले, हाँ ले डाल दिया। तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा वाला है, लिमिटिंग वाला, कौन सा है दोस्तों, लिमिट, क्योंकि मैंने बोला है गाड़ी के मूव होने से पहले, ठीक 1 सेकंड पहले है ना, यानी अब मूव कर जाएगा तब जो लग रहा है फोर्स वो है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो तुम बोलोगे फिर तो सर बहुत ईजी हो गया, अब तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ एल बाई एन। देखो भाई ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, तो पी बाई बी क्या होता है दोस्तों, तुम बोलोगे टेन थीटा होता है, क्या योगेश सही है ना, टेन थीटा है पी बाई बी, सही है तो सर। पी की जगह हम क्या लिखेंगे, लिमिट वाला फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। बोलोगे यस, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा एक और काम कर सकते हैं, पता है क्या, देखो टेन थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ एल की जगह म्यू एल इंटू एन अपॉन एन। तुम बोलोगे हाँ सर, इसकी जगह तो हम म्यू एल इंटू एन भी तो लिख सकते हैं, याद आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स का यही होता था ना फॉर्मूला योगेश, है ना? हाँ देखो सर तो यही क्या था। हम नॉर्मल से नॉर्मल को मार सकते हैं? बोलोगे यस बिल्कुल मार सकते हैं। तो क्या टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया म्यू एल, म्यू एल जो होता है वही टेन थीटा का वैल्यू होता है। बोलो इजी, बोलोगे यस सर ये तो बहुत ईजी था। तो क्या हम थीटा का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं? तुम बोलोगे जी श्रीमान। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स म्यू एल, म्यू एल या म्यू। अच्छा एक बात मैं बता दूं, अगर म्यू भी लिखा रहेगा ना तो घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, मान लेना एवरेज का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या करेंगे इसको नोट करेंगे, और ये फोटो भी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा एंगल कहाँ है, एंगल किस किस के बीच में है, कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में है। समझ में आया ममता? यस ओ सर। ममता, हाँ अब सर, थोड़ा एक सवाल ले लो जल्दी से, दे दे थोड़ा सवाल, दे 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 एक दे बार एक और, सवाल, कौन सा, एक ये बार समझा और। दे एक बार और समझा दे। हाँ आओ देखो हाँ हाँ देखो देखो ममता, मैं ये बोल रहा हूँ फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स एफ एल, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो इसका फॉर्मूला होगा म्यू एल इंटू एन। बोलो इसमें कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं इसमें तो कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने डेफिनेशन में लिखाया एंगल जो बन रहा है ना नॉर्मल और कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में, उसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये है कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी अभी हमने निकाला था।
इन दोनों का वेक्टर सम करके जो बीच में आता है, और यह नॉर्मल। तो इसका जो ये एंगल है ना, हमने क्या किया, इसको जब थीटा डालेंगे तो ये तो हाइपोटेनस है, ये तो फिक्स है ना, क्यों ममता बोलोगे? हाँ, जहां हाँ थीटा होता है वही बेस होता है, तो हमने बेस लिख दिया, और इसके अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर। तो हमने पता किया इस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तुम बोलोगे पी बाई बी, तो पी की जगह क्या है एफ एल, तो हमने एफ एल लिख दिया, बी की जगह एन। अब एफ एल का फॉर्मूला हमको पता है म्यू एल इंटू एन होता है, तो हमने म्यू एल इंटू एन लिख दिया, सो एन एन कट गया, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एल, और थीटा ये आ गया। बोलो कोई दिक्कत, बोलो। एक सवाल जल्दी से ले लो, इसको नहीं एक सेकंड में सर, सॉल्व। नहीं मम्मी, क्या बोली? नहीं। ठीक जल्दी से इसका जवाब दे दो, फाइंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। मृणाली आंसर तो दो। पहले क्वेश्चन तो लिख लो। ओमकार बनो, क्वेश्चन वेश्चन में उसको बिलीव नहीं होता, फाइंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मीटिंग 1 मिनट में, 1.5 मिनट में बंद हो जाएगा, बताइए जल्दी से। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन 53 डिग्री गिवन है, तो कोऑफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, बताओ। आर्यन तुम भी बताओ, और ममता तुमको तो बताना ही है। हाँ हाँ, हाँ नहीं पर बताओ। अरे पहले पहले पिछला वाला साइड दिखाइए। पिछला वाला स्लाइड देख लो, तुम तो लिख डालो आज, कर लो आत्मा तृप्त, मैं तो इतना बोलूंगा। आर्यन आंसर बता दो। हाँ सर, अभी वापस क्वेश्चन वाला। आगे और बताइए, और कोई सेवा? कोई नहीं सेवा नहीं। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए जल्दी से हिंट। मृणाली याद आया, मैंने बोला था, एक बार नहीं करोड़ों बार तुम्हें बोला था कि ये वाला ट्रायंगल हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 4 3 है ना, याद आ रहा है? हाँ यस सर, तुम बोलोगे हाँ याद तो आ रहा, यही है ना, 53 37। तो टेन 53 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे टेन थीटा, तो ये हो जाएगा पी बाई बी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, यानी टेन थीटा, टेन थीटा नहीं, टेन फिफ्टी, टेन थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन।